आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुजों की समरूपता के लिए SAS क्राइटेरिया का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। दर्शाइए कि त्रिभुज CDE व त्रिभुज TUV में भुजाओं DE व VU का अनुपात 1/3 है। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज CDE व त्रिभुज TUV में भुजाओं DE व VU का अनुपात 1/3 है। क्या आप बता सकते हैं कि हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों त्रिभुजों की समरूपता की जांच करनी होगी। चित्र में दिया गया है कि भुजा CD बराबर 9 इकाई, भुजा EC बराबर 10 इकाई, भुजा UT बराबर 30 इकाई, भुजा TV बराबर 27 इकाई तथा कोण C व कोण T बराबर हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज CDE व त्रिभुज TUV में संगत कोण C व कोण T बराबर हैं। साथ ही इन कोणों की अंतर्गत भुजाओं यानी कि CD व TV तथा EC व UT का अनुपात समान अर्थात 1/3 है। अतः SAS क्राइटेरिया के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज TVU समरूप हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए संगत भुजाएं DE व VU भी 1/3 अनुपात में होंगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज PQR में QN PR पर लंब है। यदि PN व NR का गुणनफल QN के वर्ग के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQR समकोण है। प्रश्न में सिद्ध करना है कि कोण PQR समकोण है। प्रश्न से हमें मालूम है कि QN PR पर लंब है, अतः कोण 1 व 2 समकोण होंगे और PN व NR का गुणनफल QN के वर्ग के बराबर है। त्रिभुज PNQ व त्रिभुज QNR में समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं PN व QN तथा NQ व NR समानुपाती हैं। हमें मालूम है कि संगत कोण 1 व 2 भी बराबर हैं। अतः SAS क्राइटेरिया से त्रिभुज PNQ व त्रिभुज QNR समरूप होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, जिससे हम समीकरण 2 प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अतः त्रिभुज PNQ में x जमा y बराबर 90 डिग्री होगा। और दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि कोण PQR x जमा y के बराबर है, अतः कोण PQR का माप 90 डिग्री होगा। यही हमें सिद्ध करना था। हमें उम्मीद है कि आपने भी कुछ इसी तरह प्रश्न को हल किया होगा। इस वीडियो में आज हमने त्रिभुजों की समरूपता के लिए SAS क्राइटेरिया पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।